नमस्कार बहुत दोस्तों, धन्यवाद लाइव टीवी सिद्धार्थ दीपेश कन और मैं आप सभी का दोनों को और आपके टीम को जो हम सेवाओं को मौका स्वागत करता हूं कि अपने एक जो हम के अंदर एक हुनर छुपा हुआ है। जो ने कहा कि आप चाइना में आप बहुत जगह से आपको मतलब कि लोगों से मिलने का मौका मिला, प्रतिनिधि से मौका मिला, काफी एकदम प्राउड फील होता है कि एक देवघर से, हालांकि आप ग्रीडी से निवास करते, ग्रीडी से आकर आप बावाद नगरी में आए और यहाँ से आपने पढ़ाई की, उसके बाद आपने यहाँ से मैंने समाज की सेवा करना शुरू किया, उसके बाद आपको चाइना में ट्रेवल करने का मौका मिला। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है और वहाँ पर आपको इतने प्रतिनिधि लोगों से मिलने का मौका मिला। हालांकि हमारे जी श्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि हम जो है मुंबई को है शंघाई की तरफ बनाएंगे, और आपने जैसा कि कहा कि शंघाई का जो ट्रैफिक नियम है, वहाँ का जो लोग है अनुशासन काफ़ी है, अनुशासित है, मतलब कि वो गवर्नमेंट के भरोसे नहीं रहते बल्कि खुद अनुशासित रहते हैं। और आप कुछ वहाँ पर एक भेंट भी दिए थे, क्या भेंट दी थी आप बताइए जी। बाबा वैद्यनाथ के नगरी से बिलोंग करते हैं, जहाँ वहाँ बाबा भोलेनाथ की 12वीं ज्योतिर्लिंग है, तो हमने यहाँ से उनका स्मृति ले गए थे बाबा भोलेनाथ का चिन्ह, और वहाँ के जो मंत्री प्रतिनिधिमंडल जो आए थे हम लोगों के, जब हम लोगों का विदाई हो रहा था वहाँ पे, तो हमने बाबा वैद्यनाथ की स्मृति चिन्ह देख के वहाँ के लोगों से हमने बाबा देवघर के धरती पर आने के लिए भी आमंत्रित किए थे। वहाँ के जो केंद्रीय मंत्रिमंडल से लोग आए थे वैसे लोगों को, उन्होंने कुछ कहा, उन्होंने कैसा लगा उनको? सबसे पहले तो उन्होंने समझा नहीं कि ये है क्या, क्योंकि सच्चाई है, उन्हें हमसे पूछा भी था, जो हमारे भारतीय दूतावास से IFS सर थे, तो सर उनको समझाए थे, कमल सर एक हमारे थे, कमल कुमार सर जो वहाँ से गए थे, तो उसने भी समझा दिया गया था कि नहीं, ये वहाँ द लॉर्ड ऑफ शिवा का ये टेम्पल बहुत फेमस है और तो आना चाहिए। उन्होंने बोला था कि जब भी मौका मिले हमको, अगर इंडिया हम आएँ तो ज़रूर आएंगे। देखो बिल्कुल सही बात है राजेंद्र, और आपका जो ये जो नेक कर रहे हैं आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। और आप ये बताइए कि आपको बहुत जगह सम्मान मिला, न केवल आपको चाइना में बल्कि हमारे भारत जैसे देश के अलग अलग राज्यों में भी आप कई जगह टूर किए हैं। मैंने आपका फेसबुक अपडेट्स मैं बराबर देखता रहता था और अपडेट मिलते रहते, कुछ महत्वपूर्ण आपको टिप्पणी करना चाहेंगे कुछ जगह पर? बहुत गर्व महसूस होता है। गत पिछले महीना में ही हम उड़ीसा गए थे पुरी में, जहाँ पे नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ था, वहाँ पर भी झारखंड का लीडरशिप करने का मौका मिला था, और वहाँ के एक मंत्री जी भी जो उड़ीसा के थे, उसने भी हमको सम्मानित किए थे उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर का स्मृति चिन्ह दे के। अकबत भाई इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल में हम करनाल गए थे हरियाणा में 2017 में, वहाँ पर भी हमें मिला था। उसके बाद हमने अरुणाचल प्रदेश में इंटरनेशनल यूथ लीडरशिप का कैंप हुआ था, जहाँ एक बहुत बड़े इंसान से मिले जो अपने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर देने वाले थे, उनका नाम था भाई सुब्बा राव जी, जिन्होंने आप लोग सुने हुए कि डाकू जो फंसे हुए थे, बिनवा भावे जी भी थे, उनको भगाने की कोशिश किए थे, नहीं हो पाया था, वो डॉक्टर सुब्बा राव जी ने किए थे, उनसे मिले, उनसे भी हम सम्मानित हुए, और उन्हें उनको भी हमने बाबा वैद्यनाथ धाम का स्मृति चिन्ह देकर आने की हम आमंत्रित किए थे, लेकिन उसने हमको आश्वासन दिए थे कि हम बाबा वैद्यनाथ धाम एक जा चुके हैं और बहुत अच्छे जगह हैं, हम जरूर आएंगे। बहुत और आपको बहुत जगह अवार्ड्स भी मिले, सम्मान भी मिले, चाइना तो आपने टूर कर लिया। अब हम अपने देश की बात भी करते हैं, आपको आप देख सकते हैं दर्शकों की राजेंद्र कुमार शाह को इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, ऐसे तो बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि राजेंद्र जी कुछ अवार्ड्स के आप नाम बताएं, कुछ अवार्ड्स की आप परिचय करवाएं कि अवार्ड्स आपको कहाँ का मिला, आप थोड़ा सा बताएं। जी सबसे पहले हम बताना चाहेंगे हमारे देश के महान विभूति अटल सम्मान रत्न से हमको सम्मानित किया गया था, जो बहुत गर्व महसूस होता है कि ऐसे सम्मान मिलते हैं, हम जैसे युवाओं को प्रेरित होते हैं। गत फिर एचिवर गैलरी पटना में हमको एचिवर अवार्ड से सम्मानित मिला गया था, जो राष्ट्रीय स्तर का सम्मान समारोह थे, जहाँ की पूरे देश भर से आए हुए समाज सेवियों को प्रेरणा प्रदान के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए इससे सम्मान की जाते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई जाने वाली योजना डिजिटल इंडिया में भी हम लोगों ने भाग लिए थे और इसमें हमने सफल होकर प्रथम स्थान भी इस किट में लाए थे। वहीं हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के द्वारा डॉक्टर मनोरंजन प्रसाद सिन्हा बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर हमारे कॉलेज के स्थापना दिवस पर ओवरऑल सभी कार्यक्रमों में अग्रिय होकर भाग लेने के लिए, चाहे वो समाज के हो, विद्यार्थी के हित के लिए हो, सब में के लिए स्टूडेंट ऑफ ईयर के अवार्ड से हमें सम्मानित किया गया था। और ये सारे सम्मान से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलती है, और आगे बढ़ने की एक जज्बा और एक जुनून जो रहता है और कायम होता है। तो राजेंद्र शाह जी आपसे हम ढेर सारी बातें की, बहुत सारे ज्ञान की बातें की और रोचक रोचक बातें की आपसे हम, आप हमारे देश देवघर के शहरवासियों से आप क्या कहना चाहेंगे? आप
जी, हम एक चीज़ जरूर कहना चाहेंगे, खासकर युवा वर्गों के, हमारे देश युवा वर्ग हैं, युवाओं के देश हैं, वैसे लोगों से मैं आह्वान करना चाहेंगे कि आप जहाँ भी रहते हैं, अपने टोले मोहल्ले में, अपने समाज में, कहीं ना कहीं बहुत सारी त्रुटियां रहती है, बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती है, और आप वहां से अपने समाज में, अपने राष्ट्रहित के लिए, समाज हित के लिए आप सहयोग कर सकते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि ठिठरते हुए रिक्शे वाले बेचारे रहते हैं, आप उसे भी सहयोग करें। आप देखते हैं किसी को रक्त के कारण जान चले जाते हैं, आप उसे भी सहयोग करें रक्तदान करके। ऐसी बहुत सारी त्रुटियाँ होती है, और लोग युवाओं से खास कर कहेंगे कि आप अगर बाइक चलाते हैं तो हेलमेट का जरूर प्रयोग करें। हम संदेश देना चाहेंगे क्योंकि हेलमेट एक आपकी सुरक्षा है, ना किसी प्रशासन की जिम्मेदारी है, हम सबकी वो सुरक्षा है, क्योंकि आपकी जान की सुरक्षा के लिए ही ऐसे जागरूकता अभियान चलाया जाता है। और सारी जितनी भी युवाएँ हमारे देश में हैं, हमारे राष्ट्र में हैं, सारी युवाओं को अपने देश के प्रति भी, अपने राष्ट्र के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ सोच हैं, कुछ विचार हैं, उसको अपने ऊपर लेनी चाहिए, उसे निर्वहन करना चाहिए, और हर युवा वर्गों को इस ऐसे सराहनीय कार्य में कदम आगे लाना चाहिए, ताकि हमारे देश के, हमारे उन्नति हो। बापू के जो सपने देखे थे, वैसे सपनों को साकार करने में हम जैसे युवा वर्गों के लोग ही सपनों को साकार कर करके और अपने देश को फिर से विश्वगुरु बनाने में सक्षम हों। तो थैंक यू सो मच राजेंद्र शाह जी, आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हम और हमारे जो देश के जो युवा वर्ग हैं, यानी और देवघर के जो निवास। मैं बताना चाहता हूं कि विगत कुछ सालों से हम रक्तदान के क्षेत्र में एक अपने युवाओं की टीम के साथ, अपने एनएसएस के सेवकों के साथ, हमने रक्त के लिए, किसी का जान नहीं चले जाए, चाहे वो गरीब के तबके लोग है, चाहे कोई भी हो, और रक्त का कोई फैक्ट्री नहीं है, हमारे सरकार के द्वारा नहीं ये प्रयोग में लाया जा सकता, इसलिए हम जैसे युवाओं ही, हम जैसे युवाओं के टीम के माध्यम के द्वारा लोगों को सहयोग करते हैं, ताकि रक्त के कारण किसी का जान नहीं चले जाए। इसलिए अगर किन्हीं को कहीं भी जरूरत पड़े रक्त के, तो ज़रूर हमसे संपर्क करें। मेरा संपर्क सूत्र है 9934995285, राजेंद्र कुमार। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र कुमार साहू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई देश के, समाज के कल्याण हेतु, और इनसे हमारे जो देवघर के जो निवासी हैं, युवा वर्ग के जो लोग हैं, वो बहुत कुछ सीखेंगे आपसे, प्रेरणा लेंगे, और हम सभी सीखेंगे आपसे, और हम सभी का एक दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि अपने घरेलू काम के साथ साथ समाज के प्रति भी हमारा कोई दायित्व बनता है। जैसे हम सड़क पर चलते हैं तो कभी हम अनुशासनहीन हो जाते हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, साथ में कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जिनकी, जिनको सहायता की जरूरत होती है लेकिन उन तक सहायता नहीं पहुंच पाती है, तो उन तक अगर आप जैसे युवा हो तो उन तक सहायता जरूर पहुंचेगी। और मैं देवघर के सभी युवा वर्ग के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा समय निकालें, चाहे संडे हो या थोड़ा सा समय निकाल कर युवा गरीबों के लिए आप टाइम निकाले, तो समाज का जरूर कल्याण होगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ राजेंद्र कुमार साहू जी, और ये बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ आगे करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास आर्थिक संबल की कमी है। और मैं देवघर के जितने सारे जनप्रतिनिधि हैं, जिला प्रशासन है, पॉलिटिशियन के फील्ड के लोग हैं, समाज सेवी हैं, उन सबों से मेरा अपील होगा, अनुरोध होगा कि ऐसे युवा वर्ग के लोगों को सहयोग करें, आर्थिक रूप से या जिस रूप में सहयोग हो, सहयोग करें, मदद करें, ताकि ये आगे जाकर कुछ कर सके और जो समाज के हेतु कल्याण कर सके। मेरा आप सबों से अपील होगा, अनुरोध होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद लाइव टीवी दर्शन को, जो हम जैसे युवाओं को, एक कहावत है कि एकदम पिछड़े हुए इलाकों से हम लोग आते हैं, और पहली बार इतना बड़ा इंटरव्यू मेरा हुआ, मैं बहुत खुशी जाहिर करता हूं, और आपके बहुत बहुत धन्यवाद लाइव टीवी शिव दर्शन को, आप दोनों को और आपके टीम को, जो हम जैसे युवाओं को मौका दिए कि अपने एक जो हम के अंदर एक हुनर छुपा हुआ है, जो भी कुछ है प्रतिभा है, कि लोगों के सामने हम रूबरू हो सके, लोग जाने, क्योंकि हम जैसे लोग छुपे ही रह जाते हैं, और जो आगे रहते हैं वही आगे के आगे बढ़ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि हम जैसे युवाओं को आपने मौका दिए, धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी राजेंद्र कुमार साहू जी, और लाइव टीवी शिवदर्शन हमेशा आप जैसे युवा वर्ग के लोगों को सपोर्ट करती, जो समाज के लिए कुछ कल्याण करती है, जन कल्याण के लिए कुछ सहायता करती है, उसको हमेशा सपोर्ट करता है। और मैं दीपेश करण आपसे विदा लेता हूँ, आमने सामने आपके सामने के कार्यक्रम में अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई किसी
प्रतिभा से और जो कुछ अलग करती, कुछ डिफरेंट करती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।